नमस्कार दोस्तों, टेक युक्ति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमें नए फीचर्स मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है हैकिंग एक्टिविटी का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ आपके जो है बैंक अकाउंट, आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी नुकसान पहुँचाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम सही से अपना जो है पासवर्ड नहीं सेट करते हैं, कहीं भी जीमेल लॉगिन कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और इसी वजह से आपका जो है अकाउंट हैक होता है, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होता है। और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा आधार कार्ड लीक हो गया था। यही सब गलती थी, क्योंकि हम जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसको सेफ नहीं रखते हैं, उसे सेव नहीं रखते हैं सही से। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड मतलब कोई हैक कर सकता है या कहीं ब्रीच है, मतलब कहीं पर कहीं किसी और ने उसे यूज किया है या नहीं किया है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि सपोज दैट अगर आपने जो पासवर्ड यूज किया है, मैंने भी यूज किया है वो पासवर्ड, और मुझे आपका ईमेल कहीं से मिल जाता है, तो मैं आपके ईमेल को आसानी के साथ एक्सेस कर सकता हूँ और आपके सारे इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता हूँ। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप जो पासवर्ड सेट करें वो आपका पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। जो ईमेल आईडी यूज करें, ईमेल आईडी तो खैर जो गूगल वेरीफाई कर देता है, ज़्यादातर लोगों का जीमेल आईडी ही रहता है, तो वो यूनिक होता है, बट पासवर्ड हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ये, जो बता देता है कि जो आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं, या कहीं ब्रीच है, कहीं हैक है, कहीं और यूज हुआ है कि नहीं, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट है जिसका नाम हैव आई फोन। यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड का ऑप्शन है, और यहाँ पे है, और एक है जो है आपके ईमेल और यूजर नेम का ऑप्शन है। इसके साथ अगर आपके पास डोमेन नेम है कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का भी चेक कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट का कोई डाटा कहीं पे लीक तो नहीं है, तो यहाँ से वो पता कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे पासवर्ड चेक करने के लिए सपोज अगर यहाँ पे देखिए लिखा है, मैंने एक पासवर्ड इंटर किया था तो लिखा था ओ नो फोन, मतलब यह पासवर्ड कहीं यूज हुआ है, और उसने सजेशन दिया कि आप इस पासवर्ड को तुरंत चेंज करें और हो सकता है आपका डेटा लीक हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा पासवर्ड इंटर करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैंने ये पासवर्ड इंटर किया। और आप सभी को पता होगा ये पासवर्ड मतलब सबसे नॉर्मल पासवर्ड है और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला पासवर्ड है। मैंने ये पासवर्ड इंटर करके यहाँ पे पोन किया, यहाँ पे बोला ओ नो पोन, मतलब दिस पासवर्ड हैज प्रीवियसली अपीयर्ड इन डेटा ब्रीचेज एंड शुड नेवर बी यूज ईवर यूज इट एनी वेयर बिफोर चेंज इट इमीडिएटली। बता रहा है कि मतलब यह है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस पासवर्ड की वजह से डेटा ब्रीच हुआ है, डेटा लीक हुआ है, अगर आप इसे कहीं यूज कर रहे हैं अपने किसी भी सर्विसेज में, तो आप इसे तुरंत चेंज कर दें। तो इससे पता चल जाता है कि मतलब हाँ, जो पासवर्ड कहीं मतलब कोई भी पासवर्ड अगर कहीं लीक हुआ है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि वो पासवर्ड पहले लीक हो चुका है, और इस तरह के उसमें लीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको आप चेंज कर लें। इस वेबसाइट का एक ये फ़ायदा है कि आप मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपने जो है अपने जीमेल पे, अपने फेसबुक आईडी पे, अपने जो है मोबाइल पे, कहीं पे भी आप सेट कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। और दूसरा जो है ये है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी जो यूजर नेम होता है, सपोज अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस यूज करते हैं या फिर फेसबुक यूज करते हैं, तो वहाँ पे एक यूजर नेम सेट करते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मतलब वो ईमेल आईडी क्या है, जो है सही है कि नहीं है, कहीं डेटा ब्रीच में उसका नाम तो नहीं आया है, कहीं मतलब कोई अगर इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है ईमेल आईडी का नाम तो नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप आराम से अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने टेक युक्ति का ईमेल आईडी, और यहाँ पे देखिए गुड न्यूज़ दे रहा है, नो पोन फाउंड, मतलब अभी तक ये किसी भी ऐसे डेटा लीक में या हैकिंग एक्टिविटी में इसका नाम नहीं आया है। मतलब जो आपने सुना होगा कि 500 ईमेल हैक हो गए हैं, 500 मतलब कई मिलियंस अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुए थे, तो इस तरह के इसमें इसका नाम नहीं आया है, तो ये सेफ है। इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, यह बहुत ही यूजफुल जो है ये कह लीजिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज आप तरह तरह की एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं। अभी आप इंडिया में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि मतलब एक बहुत मालवेयर बहुत तेज़ी से फैला है, जो आपके जो है ई वॉलेट से पैसा चुरा सकता है। तो उसमें क्या है, यहाँ से आप पता करके अपने पासवर्ड को आप मतलब एट ए टाइम अपने समय समय पर चेंज करते रहेंगे, तो उससे आप बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप फाउंड कर सकते हैं, और इवन अगर आपके वो ईमेल में वो मालवेयर आ गया, तो यहाँ से आपको बता देगा कि आपका जो है डेटा ब्रीच हो रहा है, आपके ईमेल से डेटा लीक हो रहा है, तो यहाँ से वो पता चल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।